अब सवाल ये है कि जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम नहीं है उनका कार्ड कैसे बनेगा। तो यहाँ पे दो विकल्प रखा गया है जिसके माध्यम से आयुष्मान कार्ड बन सकता है उनका, जिनका की लिस्ट में नाम नहीं है। सबसे पहले विकल्प में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको आयुष्मान भारत। अब दूसरा विकल्प की बात करें कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा, तो मैं आपको बता दूं कि एक और विकल्प है, इस प्रकार से आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से टेक्निकल गिरी बाबा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं राजू कुमार गिरी, आप हैं मेरे साथ। साथियों, कुछ दिन ही पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आयुष्मान कार्ड के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनाया जाता है, जिन लोगों का लिस्ट में नाम है वे लोग अपना आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाएंगे। उस वीडियो में कुछ लोगों का कमेंट था कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है उनका आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है वे लोग अपना आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएंगे, उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा या नहीं, बनेगा तो कैसे बनेगा, बिना लिस्ट में नाम के आयुष्मान कार्ड बनाने का प्रोसेस क्या है, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को जरूर लाइक कर दे। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनता है, और यह कार्ड जिनके भी पास होता है वे लोग किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत केवल सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हॉस्पिटल सरकारी हो या प्राइवेट आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जुड़ा हुआ है, उस हॉस्पिटल में अगर आयुष्मान कार्ड है तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज हो सकता है। कौन से हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जुड़ा हुआ है उसका लिस्ट आप देखना चाहते हैं तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देख करके और आप पता लगा सकते हैं कि आपके नजदीक में सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल कौन सा ऐसा है जो आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख लेना। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आयुष्मान कार्ड बनता कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया उस समय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने एक लिस्ट जारी किया जो 2011 के जनगणना के अनुसार तैयार किया हुआ लिस्ट है। उस लिस्ट में अगर नाम है तो ही आयुष्मान कार्ड बनता है। उस लिस्ट को कैसे चेक करना है मैं आपको बता देता हूं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस लिस्ट में नाम नहीं है तो आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा। चलिए पहले मैं आपको लिस्ट को कैसे चेक करना है आपको बता देता हूँ। आयुष्मान कार्ड बनाने वाला लिस्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, या अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन करें और सर्च बॉक्स में टाइप करें pmjay.gov.in। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए मेन्यू का ऑप्शन दिखाई देता है, मेन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देता है, पोर्टल वाले ऑप्शन में आपको BIS यानी कि बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने फिर से इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। आप यहां पे जैसा कि देख पा रहे हैं इस पेज को ओपन होने के बाद आपको यहां पे बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें से मेरा PMJAY पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने फिर से इस प्रकार से कुछ पेज ओपन होता है। पेज ओपन होने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे देखिए आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है, कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं जो आपके पास रहना चाहिए। ये वाला कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ से जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर को फटाफट से डाल देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं मोबाइल नंबर और कैप्चा को फिल कर दिया हूँ। मोबाइल नंबर और कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ से जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपने जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे
डाल देना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पे टिक कर देना होगा। तो चलिए मैं ओटीपी को डाल देता हूँ। ओटीपी को डालने के बाद यहाँ से मैं टिक कर दिया और यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। यहाँ से आपको स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं स्टेट को सिलेक्ट कर देता हूँ। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं अपना स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा कि आप अपना आयुष्मान कार्ड बनाने का लिस्ट को आप किस तरीका से चेक करना चाहते हैं। यहाँ पे सर्च बाई नेम यानी कि नेम से चेक करना चाहते हैं, HDD नंबर से चेक करना चाहते हैं, या राशन कार्ड नंबर से चेक करना चाहते हैं, या फिर मोबाइल नंबर से चेक करना चाहते हैं, आप अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से सर्च बाई नाम को सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं नाम से चेक करके आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ से नीचे आना है और यहाँ पर आपको सिंपल सा अपना नाम डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ से अपना नाम भी डाल देता हूँ। नाम को डालने के बाद आपको यहाँ से फादर का नाम डाल देना है, यहाँ से मदर का नाम डाल देना है, यहाँ से स्पाउस नेम यानी कि पति या पत्नी का नाम यहाँ पे डाल देना है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसे ही भी छोड़ देंगे तो आपके पूरे गाँव का लिस्ट आ जाता है। फिर यहाँ से आपको जेंडर को सिलेक्ट कर देना है, मेल फीमेल जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से जेंडर को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे एज पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे एज डाल देता हूँ यानी कि 50 बरस। 50 बरस के एज में जितने भी उस गांव में आदमी होंगे जिनका लिस्ट में नाम होगा वे सभी यहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ से सिलेक्ट करके रूलर और अर्बन दो ऑप्शन आपको दिखाई देता है। अगर आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं तो आपको रूलर को सिलेक्ट करना है, वहीं अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको अर्बन सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहां से ग्रामीण का लिस्ट दिखाने वाला हूं, तो मैं यहां से रूलर को यहां पर सिलेक्ट कर देता हूं। रूलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ से डाल दें। डिस्ट्रिक्ट का नाम डालने के बाद आप यहाँ से एक पिन कोड जो आपका पिन कोड पड़ता है यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है। तो चलिए मैं फटाफट से पिन कोड भी डाल दिया। पिन कोड को डालने के बाद आपको यहां से खोजे पर यानी कि सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहां पे देखिए सर्च रिजल्ट आ जाता है। कुछ देर आपको वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपके डिस्प्ले पर कुछ इस प्रकार से आपके गांव में जितने भी लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लिस्ट में नाम है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से शो करता है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं इस लिस्ट में अपना नाम देख लेना है। अगर आप अपना डायरेक्ट यहां पे नाम और पिता का नाम माता का नाम डालेंगे तो केवल आपका ही नाम यहां पे शो करेगा सर्च रिजल्ट में। यहां पे मैं केवल यहां पे एक अक्षर डाला हूं R, तो यहां से R से रिलेटेड जितने भी नाम है यहाँ पर इस लिस्ट में शो कर दिया गया है। इसमें आपको खोजना होगा। अगर आप डायरेक्ट अपना नाम डालेंगे तो आपका नाम ही केवल आएगा। फिर आपको यहाँ पे देखिए फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देता है। इस फैमिली डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। आपके फैमिली में जितने भी लोगों का नाम है यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे देखिए फैमिली सदस्य का जो मेन मेंबर होता है उनका नाम यहाँ पे HDD नंबर भी यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर सदस्य का नाम परिवार का सदस्य का नाम यहाँ पे शो करता है। फिर आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा इसको यहाँ पे गेट डिटेल्स ऑन SMS आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाएगा। उस मैसेज को लेकर के और अपने राशन कार्ड को लेकर के आप अपने नज़दीक के KCSC सेंटर में जाएंगे तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। तो साथियों जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो लिस्ट जारी किया गया है उसको कैसे चेक किया जाता है। इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। आयुष्मान कार्ड आप अपने से ऑनलाइन भी बना सकते हैं। इस पर मैं वीडियो बना रखा हूं, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप अपने नजदीक के CSC सेंटर में जाकर के और आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम नहीं है उनका कार्ड कैसे बनेगा। तो यहाँ पे दो विकल्प रखा गया है जिसके माध्यम से आयुष्मान कार्ड बन सकता है उनका, जिनका की लिस्ट में नाम नहीं है। सबसे पहले विकल्प में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको आयुष्मान भारत योजना के लिस्ट में नाम जुड़वाना पड़ेगा, तो ही आपका आयुष्मान कार्ड बन पाएगा। नाम को जुड़वाने के लिए आप ऑनलाइन नाम नहीं जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन कोई भी सुविधा नहीं है जिससे कि आपका नाम आयुष्मान भारत योजना के लिस्ट में जुड़ जाए, क्योंकि यह लिस्ट 2011 के जनगणना से लिया गया है
और जब भी 2022 या 23 में जनगणना होती है उस समय हो सकता है कि जो नया लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम आ जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन नाम जुड़ना तो आप नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन एक बात है कि आप चाहे तो आयुष्मान भारत योजना के लिस्ट में नाम जुड़ने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद आपका नाम जुड़ भी सकता है या नहीं भी जुड़ सकता है। नाम जुड़ेगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपका नाम जुड़ गया है, क्योंकि जब आप लिस्ट चेक करेंगे उसमें आपका नाम आ जाएगा और आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाम नहीं जुड़ता है तो आप आयुष्मान कार्ड नहीं बना सकते हैं। तो ये तो रहा आयुष्मान भारत योजना में नाम जुड़ने के लिए जो मैंने आपको बताया। तो अगर आप नाम जुड़ने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस पर भी मैं वीडियो बना रखा हूँ, उस वीडियो को आप देख लेना। अब दूसरा विकल्प की बात करें कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा, तो मैं आपको बता दूं कि एक और विकल्प है जिसके माध्यम से आप चाहे तो आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। उसके लिए आपको अपने ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधि जो मुखिया होते हैं या प्रधान होते हैं उनके पास जाना है, या फिर आपका नगर पंचायत है तो आपको नगर पंचायत के कार्यालय में जाना होगा और वहां पे जाकर के आपको उन लोगों से बताना है कि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यानी कि मैं गरीबी रेखा के नीचे हूँ और मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं है, मुझे आयुष्मान कार्ड की सख्त जरूरत है। जब आप इस प्रकार से उन लोगों को बोलेंगे तो वे लोग अपने पैड पर लिख करके देंगे कि यह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे बिलोंग करता है और इसको आयुष्मान कार्ड बना दिया जाए या बनाने की अनुमति प्रदान की जाए। अगर कुछ इस प्रकार से लिख करके वे अपने पैड पर देते हैं तो फिर उस पैड को और साथ में आपको राशन कार्ड के प्रति कॉपी और आधार कार्ड के प्रति कॉपी, वोटर कार्ड आपको साथ में लेकर के और अपने डिस्ट्रिक्ट में सीएमओ ऑफिस में जाना होगा। सीएमओ ऑफिस कहाँ रहता है तो मैं आपको बता दूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो सदर हॉस्पिटल है यानी कि सिविल हॉस्पिटल में जाकर के आपको पता करना होगा कि सीएमओ का ऑफिस कहाँ है। और जब आप सीएमओ ऑफिस पता कर लेंगे तो सीएमओ ऑफिस में जाकर के और आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर से रिक्वेस्ट करना होगा कि सर मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे आयुष्मान कार्ड की सख्त जरूरत है। तो अगर कुछ इस प्रकार से आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको अगर वे सीएमओ लिख करके दे देते हैं एक लेटर पर कि इनको आयुष्मान कार्ड बना दिया जाए, तो आपको उस लेटर को लेकर के और जहाँ भी आयुष्मान कार्ड बनता है जैसे सीएससी सेंटर से बनता है या फिर सदर हॉस्पिटल में भी आयुष्मान कार्ड का सेंटर रहता है, वहाँ भी जाकर के आप अपना आयुष्मान कार्ड उस लेटर को दिखा करके बनवा सकते हैं। इस प्रकार से आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन लिस्ट में नाम जोड़ लेना तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे कि आप ऑनलाइन लिस्ट में नाम जोड़ करके और आप अपना आयुष्मान कार्ड बना लें। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में नाम नहीं है और उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाता है और उनको आयुष्मान कार्ड की सख्त जरूरत होती है। तो मैं मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा उपाय किया जाए, कोई ऐसा व्यवस्था किया जाए कि जिन लोगों को आयुष्मान कार्ड की जरूरत है और वे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनका वेरिफिकेशन करने के बाद तत्काल ही उन्हें आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड किया जाए। ऐसा कोई व्यवस्था हो सके तो सरकार कर दे जिससे कि आम लोगों को इसका लाभ मिल पाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल पाता है। तो आई होप मैंने आपको जो भी जानकारी दिया, यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके मन में अभी भी किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे जुड़कर पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।